जय हिंद डिफेंस पैरेंट, मैं जयेश कुमार स्वागत करता हूं आपका डिफेंस अड्डा 24/7 पर। तो आज हम एफकेट के लिए स्पेशल क्वेश्चंस करेंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि एफकेट के आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके साथ हम और फैक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। तो सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ सेशन को शेयर और लाइक और जरूर करिएगा। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा। और बता दूँ कि मेरा आज एक और लेक्चर होगा शाम को 7 बजे, 4 बजे मेरी क्लास जो है वो 7 बजे शिफ्ट हो गई है। आज सुबह 11 बजे वाला मैंने सेशन नहीं ले पाया था, इसी वजह से मैं ये 4 बजे वाला सेशन ले रहा हूँ और एक 7 बजे भी सेशन लूँगा। तो ज़रूर मेरे सेशन को देखा करें क्योंकि आपको उससे आपके जीएस के लिए मैं भरपूर मेहनत करता हूँ। ओके, तो सभी का वेलकम है। मयंक यादव गुड आफ्टरनून, सरिता राठी जय हिंद, निहाल सिंह जय हिंद, जय चौधरी, रिचा ओके सभी का वेलकम है, अभिन चतुर्वेदी। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। जय हिंद निहाल सिंह। तो बिलीव इन योर सेल्फ आज का थॉट ऑफ द डे, अपने में विश्वास रखो, आपको जो प्रभु ईश्वर अल्लाह गॉड जो है उसने आपको बहुत स्ट्रेंथ दी है, बहुत ताकत दी है, बस इसको सही से यूटिलाइज करा करो। चलिए दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। ओके, दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब हम आज आपको एक चीज़ है कि मैं आपको एफकेट की स्पेशल सीरीज़ कराऊँगा। क्या कराऊँगा? एफकेट की स्पेशल सीरीज़। ओके, टुडे वी विल डिस्कस ए स्पेशल सीरीज फॉर एफकेट। तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करेगा। ओके, वेरी गुड सचिन शर्मा, हेलो। ओके, हेलो सर। ओके, गुड आफ्टरनून रिचा। ओके, आई एम गुड बेटा। तो देखिएगा, एक फ्लैश से चल रही है, ठीक है, अड्डा के जितने भी प्रोडक्ट है ए से लेकर जेड तक, चाहे लाइव क्लासेस हो आपकी, ऑनलाइन लाइव क्लासेस जो आजकल मैं UPSC की ले रहा हूँ, UPPCS की आगे लूँगा, और डिफेंस में CAPF और एफकेट की ले रहा हूँ, तो वो सब आपको 30% डिस्काउंट पे मिलेगी। इसके लिए आपको विजिट करना होगा adda247.com पर, और ये जो आपको डिस्काउंट कोड दिख रहा है कैपिटल U191, इसको यूज़ करिएगा और आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप ऐप से डाउनलोड करते हैं, ऐप से परचेज करते हैं, तो उसके थ्रू आपको 5% और डिस्काउंट मिलेगा, तो इसका ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा। तो फ्लैश सेल चल रही है शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक, तो इसे बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय ऑन adda247, चाहे महापैक हो, लाइव क्लासेस हो, टेस्ट सीरीज हो, या वीडियो कोर्स हो, या ई बुक्स हो। ओके, बल्कि तेजस्वी अग्रवाल, राधे राधे, मयंक यादव। ओके ओके, स्टार्ट करें। तो टारगेट UPPCS, एक हमारा नया बैच आने वाला है, कंप्लीट बैच है UPPCS के लिए। और अगर आप डिफेंस का महापैक परचेज करते हैं, तो जितने भी इस साल डिफेंस की परीक्षाएं हैं, क्योंकि आप इस लॉकडाउन का बिल्कुल भरपूर यूज़ करिएगा, और जितनी भी परीक्षाएं हैं सभी की आपको क्लासेस मिलेगी एक वन टाइम पेमेंट में, क्योंकि ये 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन है, तो उसको ज़रूर फ़ायदा उठाएगा फ्लैश सेल का। चलिए क्वेश्चन करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे बैंकर्स की कर रहे हो, चाहे SSC की, टीचर्स की, इंजीनियर की, डिफेंस की, तो सबको आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी चीज़ आपको मिलती है। ओके, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ज़ाग्रेब कौन से देश की राजधानी है? जल्दी से बताइएगा, ज़ाग्रेब कौन से देश की राजधानी है? फटाफट जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ओके, ज़ाग्रेब इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? ज़ाग्रेब किस देश की राजधानी है? ओके, AK पांडे, उसके लिए आपके लिए यूट्यूब पे सेशन है ना सर? ओके, जल्दी से बताइएगा ज़ाग्रेब। तनु पांडे बेटा, जल्दी से आंसर बताओ, ज़ाग्रेब इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? क्रोशिया, इथोपिया, इजराइल, आइसलैंड, जल्दी से बताइएगा ज़ाग्रेब इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? फटाफट जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, ज़ाग्रेब कौन से देश की राजधानी है? क्रोशिया, इथोपिया, इजराइल एंड आइसलैंड। जय चौधरी ने इसका सही आंसर दिया, प्रणब ने भी इसका सही आंसर दिया। देखिए, ज़ाग्रेब जो कैपिटल है वो किसकी है? क्रोशिया की राजधानी है। इथोपिया की राजधानी आपकी क्या है? अडीस अब्बा। ये आपके इस बार के एफकेट के पेपर में आया था, अडीस अब्बा। ओके, अडीस अब्बा क्या है आपकी? इथोपिया की। इसराइल की राजधानी है तेल अवीव। ओके, इसराइल की राजधानी क्या है? तेल अवीव। और आइसलैंड की राजधानी है रिक जैविक। आइसलैंड की राजधानी क्या है? रिक जैविक। और जो आइसलैंड की राजधानी है ना, ये उत्तर में स्थित सबसे उत्तर की राजधानी है। मतलब अगर सभी देशों को हम देखें तो आइसलैंड की जो राजधानी है उत्तर में स्थित राजधानी है आइसलैंड की राजधानी, ठीक है। इसके साथ आपको एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा, प्लीज़ सेशन को लाइक और शेयर जरूर करेगा। रिचा बेटा बिल्कुल सही आंसर दिया, सचिन शर्मा आपने भी दिया, पचंदली मिश्रा सर इसका आंसर क्रोशिया है।
तो ध्यान रखिएगा, जागरेब इज द कैपिटल एंड द लार्जेस्ट सिटी ऑफ क्रोशिया, जो जागरेब है वो क्रोशिया की कैपिटल और सबसे बड़ी सिटी है, ओके। इसके बाद देखिएगा, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद को, पिछले साल प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद को क्रोशिया ने अपना सबसे ऊंचा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया था, जिसे क्या बोला जाता है, द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ किंग टोमिस्लाव, द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ किंग टोमिस्लाव का क्या दिया है, खिताब दिया, जैसे हमारे यहाँ भारत रत्न होता। आगे बढ़ते हैं, अडीस अबा इज द कैपिटल ऑफ इथोपिया, इथोपिया के प्रधानमंत्री का नाम बताओ जल्दी से, इथोपिया के प्रधानमंत्री का नाम बताइए सभी लोग फटाफट जल्दी, इथोपिया के कौन है प्रधानमंत्री फटाफट। सरिता राठी, स्तुति सक्सेना, जयंत बेटा जी कैसे हो, करण सामंत, ऋचा, सचिन, पतंजलि मिश्रा, मयंक यादव, तनु, ए के पांडे, प्रणब, निहाल, अनुज, जल्दी से बताइएगा इथोपिया के प्रेसिडेंट का नाम क्या है, प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इथोपिया, अडीस अबा इसकी कैपिटल है, इथोपिया के प्राइम मिनिस्टर का नाम बताइए। जी हाँ बिल्कुल सरिता राठी, आपने सही बताया, ओके जल्दी से। तो देखिए, एबी अहमद अली जो इथोपिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्हें 2019 के लिए नोबल पुरस्कार दिया गया है। एबी अहमद अली जो इथोपिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्हें 2019 के लिए क्या दिया गया है, नोबल पीस प्राइज दिया गया है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं, रिकजैविक इज द वर्ल्ड नॉर्दर्न मोस्ट कैपिटल ऑफ आइसलैंड, ओके। नॉर्दर्न मोस्ट यानी उत्तर में स्थित सबसे उत्तर में स्थित राजधानी है, इससे ऊपर कोई और देश की राजधानी नहीं है। भाई सेशन को शेयर और लाइक जरूर करिए यहाँ पे, बिल्कुल ओके, वेरी गुड। आपका नाम जो है ऐसे जी हिट, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी हाँ बिल्कुल। चलिए आगे, फिर 2017 में एक घटना हुई थी जो जेरूसलम है, ये इस्लाम, क्रिश्चियन और यहूदी यानी जूडाइज्म में तीनों के लिए बहुत पवित्र स्थान है। अमेरिका ने जेरूसलम को इज़राइल की राजधानी मान लिया था, तो इसलिए जेरूसलम, लेकिन वैसे इज़राइल की राजधानी क्या है, तेल अवीव, ध्यान रखिएगा क्या है, तेल अवीव। ऑर्डर ऑफ जायद तो दिया गया था आपका यूएई के द्वारा, हमाद मेडल दिया गया था बहरीन के द्वारा, लेकिन वो किसे दिया गया था, हमारे प्रधानमंत्री को, उस पर कभी अवार्ड्स पे डिस्कशन करेंगे तो वहाँ आपको मैं कराऊंगा। चलिए अगला क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट कैपिटल ऑफ वर्ल्ड, विश्व की सबसे बड़ी कैपिटल कौन सी है, बीजिंग, अंकारा, मेक्सिको सिटी, टोक्यो, जल्दी से इसका आंसर बताइए और सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, सेशन को लाइक और शेयर जरूर करो माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं आपके लिए, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ओके बिल्कुल, मयंक यादव थैंक यू माई डियर, ओके लिखाइए बताइएगा, विच इज़ दी लार्जेस्ट कैपिटल इन दिस वर्ल्ड, ओके विश्व की सबसे बड़ी राजधानी कौन सी है, कोई बात नहीं, एक डिसलाइक करके चले गया, प्रेम है उसका मेरे लिए। विच इज़ दी लार्जेस्ट कैपिटल इन दी वर्ल्ड, बीजिंग, अंकारा, मैक्सिको, टोक्यो, जल्दी बताइएगा, बीजिंग, अंकारा, मैक्सिको सिटी और टोक्यो, जी बिल्कुल मैक्सिको सिटी आप बता रहे हो, तेजस्वी अग्रवाल, किशोर बोरसे बता रहे हैं ए बीजिंग, ओके। तो देखिए मैक्सिको की जो लार्जेस्ट कैपिटल है वो कौन सी है, टोक्यो है लार्जेस्ट कैपिटल, जो है कैपिटल की बात हो रही है, अगर सिटी की बात होती तो मैक्सिको सिटी होती, ओके सिटी की बात होती तो मैक्सिको सिटी होती, ठीक है सिटी की बात होती, अगर शहर की बात, विश्व का सबसे बड़ा शहर होता तो मैक्सिको सिटी, लेकिन यहाँ किसकी बात हो रही है, कैपिटल की बात हो रही है, तो वो कौन सी है, टोक्यो, टोक्यो इज द लार्जेस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो ध्यान रखिएगा, The largest capital city in the world is Tokyo, Japan. It is the largest metropolitan area, जिसमें 38 million, यानी 3.8 करोड़ लोग रहते हैं, and वो largest 3.9 नहीं सॉरी अड़ हाँ बिल्कुल 3 million इतने होंगे भाई, हाँ और एंड लार्जेस्ट मेट्रोपोलियन एरिया जिसमें 13,500 स्क्वायर किलोमीटर ओके का ये है टोक्यो। आगे देखेगा, बीजिंग जो चाइना की कैपिटल है, वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कैपिटल है, बीजिंग जो चाइना की कैपिटल है वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस कैपिटल है, और ध्यान रखिएगा ये बीजिंग में कोरोना वायरस बिल्कुल नहीं फैला है, इस चीज पर गौर फरमाइएगा, बीजिंग पे कोरोना वायरस बिल्कुल नहीं फैला है, ओके ऐसा क्यों। अंकारा किसकी कैपिटल है, टर्की की कैपिटल, अंकारा किसकी कैपिटल है, ओके हाँ टर्की की कैपिटल है, और तेहरान की क्या कैपिटल है, ईरान, ठीक है सॉरी ईरान की कैपिटल क्या है, तेहरान, ओके वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर, वियना, वियना, वियना में पहले बताओ तीन चीज़ों के हेडक्वार्टर है वियना में, ठीक है वियना में तीन चीज़ों के हेडक्वार्टर, देखो मैं आपको बता रहा हूँ वियना में किस किस के हेडक्वार्टर, वियना किसकी राजधानी है, पहले तो ऑस्ट्रिया की राजधानी है, किसकी राजधानी है, ऑस्ट्रिया की, और वियना में ना तीन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर हैं। आप फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, मैं हेडक्वार्टर बता रहा हूँ, ठीक है वियना में तीन चीज़ों के हेडक्वार्टर है, पहला है ओपेक, अभी प्राइसेस कम हुए हैं ना नेगेटिव, आप सुन रहे होंगे, ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है, फिर दूसरा है
ये है आपका इंटरनेशनल अटोमिक एनर्जी एसोसिएशन, इंटरनेशनल अटोमिक एनर्जी एसोसिएशन। और तीसरा जो है ना वो है डब्ल्यू, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ओके जी हाँ बिल्कुल, जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। वियना इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विर्च रिवर, जो वियना है वो कौन से नदी के किनारे है, ठीक है। ओपेक इंटरनेशनल ये मैंने आपको लिखवा दिया, जी हाँ बिल्कुल, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रवि इसका बता रहा है इसका आंसर, लेकिन प्रणम ने बिल्कुल सही बताया। ओके तो इसका आंसर क्या है, ए डनुबे, जो वियना है वो कौन सी नदी के किनारे है, डनुबे नदी के किनारे है। ओके अब देखो यहाँ पे आपको कई चीज, वोल्गा, वोल्गा जो है यूरोप की सबसे बड़ी नदी है, और राइन जो नदी है इसे यूरोप का हाईवे कहा जाता है। वोल्गा यूरोप की सबसे बड़ी नदी है और राइन जो नदी है इसे यूरोप का हाईवे कहा जाता है, इस पॉइंट को जरा नोट कर लीजिएगा। दूसरी चीज, वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है, डनुबे के किनारे स्थित है। वर्साव पोलैंड की राजधानी है, विस्टुला नदी के किनारे है। पेरिस फ्रांस की राजधानी है, सीन नदी के किनारे है। ओके रोम इटली की राजधानी है और टिब्बल नदी के किनारे है। तो यहाँ पे आपको सारा डाटा मिल गया, इसका स्क्रीनशॉट खींच लो फटाफट जल्दी से, और सेशन को लाइक और शेयर जरूर करा करो, सेशन को लाइक और शेयर जरूर करा करो। माय डियर पवन सर, हिंदी में मैं इसलिए नहीं कराता क्योंकि सर एफकेट का एग्जाम ही इंग्लिश में आता है, उसमें हिंदी लैंग्वेज नहीं होती है। ओके सर, तो वियना ऑस्ट्रिया, वर्सा पोलैंड, पेरिस फ्रांस, रोम इटली, तो आपको यहाँ मैंने आपको काफ़ी सारे फैक्ट दे दिए हैं। बिल्कुल सेशन को लाइक और शेयर कर जरूर करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन, बर्लिन इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, जो बर्लिन है वो कौन सी नदी के किनारे है, डनुबे स्प्री सीन राइन, जल्दी बताइएगा। ओके डनुबे स्प्री सीन राइन, ओके जल्दी बताइएगा। बर्लिन इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, बर्लिन जो है, बर्लिन शहर वो कौन सी नदी के किनारे है। ओके बिल्कुल जल्दी बताइएगा, बर्लिन जो है वो कौन सी नदी के किनारे हैं, जल्दी जल्दी आंसर बताओ, डनुबे स्प्री सीन या राइन नदी, फटाफट। बर्लिन इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। ओके बिल्कुल बेटा, पीडीएफ इसका मिल जाएगा आपको कमेंट सेक्शन में ही। ओके कमेंट सेक्शन में आपको उसका पीडीएफ मिल जाएगा, नहीं तो आज जो मेरे से जीएस विद जिवेश ग्रुप पे जुड़े हुए हैं वो मेरे को मैसेज करते हैं कि सर जी पीडीएफ दे दो, क्योंकि मेरे को ध्यान से उतर जाता कई बार। ओके बर्लिन इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, तो ये कौन सी नदी के किनारे है, स्प्री नदी के किनारे, कौन सी, स्प्री नदी के किनारे, ध्यान रखिएगा कौन सी नदी के किनारे, स्प्री नदी के किनारे। और भाई सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन उड़ीसा, जल्दी से आंसर बताइएगा, विच ऑफ द नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन उड़ीसा, जल्दी से बताओ उसका। बिल्कुल सरिता राठी, निहाल सिंह, पतंजलि मिश्रा, स्टील पुश यानी सावन, कैसे हो। ओके करण सामंत, पीयूष गुप्ता, तनु पांडे, बिल्कुल सही पतंजलि मिश्रा, जल्दी से आप लोगों ने इसका आंसर बता दिया है। भाई इस क्वेश्चन का आंसर और बता दो कि जो ये कौन सा नेशनल पार्क उड़ीसा में स्थित है, कौन सा नेशनल पार्क उड़ीसा में स्थित है। और भाई सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। इतना देखो अगर बात रहे हिंदी की तो इतनी मैं यहाँ ग्रामर तो नहीं करा रहा, सिंपल क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन उड़ीसा। अगर इतनी भी इंग्लिश समझ में दिक्कत आती है ना तो फिर आपको अपना ना इस इंग्लिश को सीखना चाहिए सर, ठीक है। ओके बिल्कुल बिल्कुल हाँ, इसका आंसर आ रहा है अभिन चतुर्वेदी, नंपदा तो आपका नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है सर। ओके रवि सिंह ने इसका आंसर सही बताया, सी भिट्टर कनिका, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है यहाँ पे भिट्टर कनिका में, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। तो देखिएगा भिट्टर कनिका नेशनल पार्क उड़ीसा में स्थित है, फेमस किस लिए, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के लिए, खारे पानी का मगरमच्छ, ठीक है। केबिल लमजाओ ये उड़ीसा में लोकटक झील में है और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, विश्व का एकमात्र क्या है, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद देखिए जलदापरा नेशनल पार्क, ये आपका वेस्ट बंगाल है, मैं किस में है, वेस्ट बंगाल पे। और नंपदा नेशनल पार्क आपका अरुणाचल प्रदेश है, और नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है ये, नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। बिल्कुल भाई सेशन अगर अच्छा लग रहा है ना तो बिल्कुल सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा, एक बार सेशन को शेयर कर दो मज़ा आ जाएगा। ये बहुत ही स्टूपिड सा क्वेश्चन है और आप इसका आंसर बिल्कुल दे दोगे, मैं इस पर डिस्कशन ही नहीं करना चाहता, ये थोड़ा मैंने दे दिया। काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर स्थित है, जल्दी बताओ फटाफट। जय चौधरी, प्रणब,
मयंक, सरिता, प्रणम, नॉर्रेक, नॉर्रेक भी नेशनल पार्क है, वो कौन सी स्टेट में, जल्दी बताओ, नॉर्रेक नेशनल पार्क, प्रणम आपसे क्वेश्चन है, सरिता राठी आपसे भी, सचिन शर्मा, नॉर्रेक नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, जल्दी से ये भी बता दीजिएगा। काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, और आप बताइएगा आसाम में और कौन सा नेशनल पार्क स्थित है, जल्दी से बताइएगा। ओके आसाम इसका आंसर है, ओके आसाम इसका आंसर है, थैंक यू करण सामंत, बिल्कुल। तो आसाम में एक मानस भी है, ध्यान रखिएगा। और काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है भाई, आपका आसाम में है, और ये राइनोसोरस यानी गैंडे के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ओके चलिए अगला क्वेश्चन, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपकी कहाँ है, आसाम में स्थित है, ठीक है मानस, लेकिन ये टाइगर रिजर्व भी है, ये क्या है टाइगर रिजर्व भी है, ओके ध्यान रखिएगा। ये भी कहाँ है आपका पड़ता है, आसाम में पड़ता है। भाई सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिए, बच्चे कम नहीं होने चाहिए यहाँ पे, बढ़ाते रहो बिल्कुल, जोत से जोत जलाते चलो मिलाते चलो, जी हाँ बिल्कुल। सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, जल्दी से बताइएगा, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे स्थित है, ओके बिल्कुल बिल्कुल जल्दी जल्दी बताइए। सरिता राठी ने बिल्कुल सही आंसर बताया, नॉर्थ जो मैंने पूछा था बेटा आपसे, मुजफ्फरनगर के कभी पीछे रहते ही नहीं है, बिल्कुल देखिए द सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन इज लोकेटेड एट उड़ीसा राजस्थान मध्य प्रदेश आसाम, उड़ीसा राजस्थान मध्य प्रदेश आसाम, जल्दी से आंसर बताइएगा इसका आंसर। विष्णु प्रताप, सचिन, अक्षय, ओके जय चौधरी, सरिता राठी, बिल्कुल बिल्कुल बेटा सही बताया। अब ये बताओ सरिस्का जो है ये कहाँ पे पड़ता है, उड़ीसा राजस्थान मध्य प्रदेश और आसाम। मध्य प्रदेश में भारत में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है, ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में भारत में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है, ये भी ध्यान रखिएगा। ओके और सरिस्का आपको पता ही है, सरिस्का कहाँ पे पड़ता है आपका, राजस्थान में पड़ता है, सरिस्का किस में पड़ता है आपका, राजस्थान में पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ओके बिल्कुल बिल्कुल। अरलाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच प्लेस, अरलाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कहाँ पे स्थित है, जल्दी से बताइएगा, अरलाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे स्थित है, जल्दी से बताइएगा। गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, अरलाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे स्थित है, जल्दी से बताइए। गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, जल्दी से बताइएगा। हाँ अरलाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे स्थित है, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला, जल्दी से बताइएगा। ऋचा बिल्कुल बताओ बेटा, सरिता राठी यस, ओके शिवानी राणा बिल्कुल बेटा जल्दी से इसका आंसर बताओ। किशोर बिल्कुल सर, इसका टाइगर रिजर्व अलवर राजस्थान, जी हाँ सर बिल्कुल। और कल मैंने आपको कराया था भारत का सबसे बड़ा जो टाइगर रिजर्व है वो नागा अर्जुन श्री सल्लम टाइगर रिजर्व जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ओके तो अरलाम जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो आपका किस में पड़ता है, केरला में पड़ता है, किस में पड़ता है, केरला। केरला में एक बायोस्फीयर है जिसे साइलेंट वैली भी कहते हैं, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, साइलेंट वैली। गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे स्थित है, जल्दी से बताइएगा, गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे स्थित है, जल्दी जल्दी फटाफट आंसर देते रहो आपको क्वेश्चन। और ध्यान रखना शाम की 7 बजे वाली क्लास तो बिल्कुल मत छोड़िएगा, आज शाम को 7 बजे आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आपके करंट अफेयर्स, अवार्ड, इन सब का एक बहुत बढ़िया सेशन क्वेश्चंस बनाए हैं मैंने, बिल्कुल उसे छोड़िएगा मत, शाम को 7 बजे सभी लोग मिलेगा, जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। जी हाँ बिल्कुल केरला उसका आंसर है, पिछले क्वेश्चन का आंसर केरला ही तो है, केरला ही तो बताया था। ओके चलिए, गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड कहाँ पे है, गोविंद, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओके ओके हाँ आप स्टॉप हो गए, ओके ओके चलो। गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे स्थित है, तो गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका उत्तराखंड में, उत्तराखंड में और भी हैं जैसे जिम कॉर्बेट, राजा जी नेशनल पार्क। ओके चलो अगला क्वेश्चन, कुचिपुड़ी डांस फॉर्म इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, कुचिपुड़ी जो डांस फॉर्म है वो कौन से राज्य से संबंधित है, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु। कुचिपुड़ी जो डांस फॉर्म है वो कौन से राज्य से संबंधित है, जल्दी से बताइएगा। ओके वीडियो को क्या हो गया, रुक गए। ओके कुचिपुड़ी डांस फॉर्म इज सिचुएटेड, नाउ इज व्हाट हैपन यार, इसमें क्या हुआ,
आवाज आ रही है? एक सेकंड जरा होल्ड करिएगा। अगर मेरी आवाज आ रही है, बिल्कुल कोई बात नहीं, घबराओ मत, हम ये क्वेश्चंस कर लेंगे। ओके, ये कुछ प्रॉब्लम हो गई लगता है इसमें, क्या हुआ? ओके, अब सही है, देखो। ओके, अब सही है, बिल्कुल। ओके, ऑल क्लियर। ओके ओके, ये यूट्यूब की वजह से हुई है, मेरी मेरे तरफ से नहीं हुई है ये। साउंड इज कमिंग ना, ये यूट्यूब की वजह से हुई है, मैंने कुछ नहीं करा इसमें, मेरे उधर से तो सब ठीक चल रहा था। ओके चलो, तो कुचिपुड़ी डांस फॉर्म कौन से, मैं भी घबरा गया क्योंकि यार पता है इतनी मेहनत से क्वेश्चन तैयार करते हैं और बीच में अगर ऐसे सेशन ख़त्म हो जाए तो सारे मेहनत पे किरे किराए पर पानी हो जाता है। ठीक है, हाँ कंटिन्यू निहाल सिंह, बिल्कुल भाई चलो। तो ओके बिल्कुल बिल्कुल, तो कुचिपुड़ी जो डांस फॉर्म है वो कौन से, देखो कुचिपुड़ी कहाँ से है आप लोग, आंध्र प्रदेश से बता रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। समृद्धि थापा ने बताया आंध्र प्रदेश। अच्छा केरला से कौन कौन से, देखो केरला से है एक तो मोहिनी अट्टम। ओके, मोहिनी अट्टम आपका किससे है, केरला से है। कर्नाटक से यशक ज्ञान, YAKSH, यशक ज्ञान। ओके, केरला से एक और भी है, कथकली केरला से, ठीक है। और तमिलनाडु से कौन सा है, भरत नाट्यम। ओके, भरत नाट्यम। और आंध्र प्रदेश से कौन सा, कुचिपुड़ी। तो इसका आंसर क्या है, ए कुचिपुड़ी इसका आंसर है। ओके हाँ, यूट्यूब धोखा दे गया। मोहिनी अट्टम अभी बताया, मोहिनी अट्टम जो है वो किससे संबंधित है, वो तो भाई आपका किससे है, केरल से है। मोहिनी अट्टम जो डांस फॉर्म है, दो डांस फॉर्म, मोहिनी अट्टम और कथकली, ये आपका केरल से संबंधित है। ठीक है, सारा फ्लो टूट गया पढ़ाते हुए। बिल्कुल, कालबेलिया इज द डांस फॉर्म एसोसिएटेड, चलिए जल्दी बताइए, कालबेलिया जो डांस फॉर्म है वो कौन से राज्य से संबंधित है, बिल्कुल बिल्कुल जल्दी बताइएगा, कालबेलिया जो है वो कौन से राज्य से संबंधित है। ओके, कालबेलिया इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, कालबेलिया कौन से राज्य से संबंधित है, जल्दी बताओ। ओके, सी हिमाचल प्रदेश। ओके ओके प्रणाम, जल्दी से बताओ, कालबेलिया जो है वो कौन से राज्य से संबंधित है, कालबेलिया इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ बिल्कुल राजस्थान। ओके राजस्थान, बिल्कुल कालबेलिया कहाँ से, राजस्थान। और भी हैं, घूम एक तो है घूमर, देखो एक है झूमर और एक है घूमर, झूमर आपका राजस्थान का, घूमर आपका सॉरी झूमर आपका हरियाणा का है, राजस्थान का है घूमर, ऐसे भी है ध्यान रखिएगा। ओके, होजागिरी डांस इज द नेटिव स्टेट, होजागिरी कौन से राज्य से संबंधित है, होजागिरी डांस। ओके, उत्तराखंड का है क्या जागर यात्रा, होजागिरी डांस आपका कौन से स्टेट से संबंधित है, होजागिरी डांस आपका कौन से स्टेट से संबंधित है, बताइए सर। होजागिरी डांस इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बिल्कुल ए था, हाँ बिल्कुल सपेरे डांस देखते हैं। ओके ओके ओके, ए होजागिरी डांस आपका किससे है, जल्दी बताइएगा कौन से, हाँ तो होजागिरी आपका है त्रिपुरा से, किससे है संबंधित आपका, त्रिपुर से, क्योंकि कई बार इस तरीके फेस्टिवल बेसिस पे भी आते हैं। ओके, जलीकट्टू तमिलनाडु में ये गेम खेला जाता है, ये जल्लीकट्टू इस पे सुप्रीम कोर्ट ने बैन भी लगाया था। तो ये किस प्रकार का गेम है, बुल फाइट है, मुर्गों की लड़ाई, कॉक फाइट है, वैसे इंडिया में पहले बहुत होती थी मुर्गों की लड़ाई, बहुत ही वायलेंट होती है मुर्गों की लड़ाई, डॉग फाइट ये तो हम देखते ही रहते हैं, क्रिकेट फाइट, जल्दी बताइएगा क्या है इसका आंसर। जल्लीकट्टू इस पे सुप्रीम कोर्ट ने बैन भी लगाया था। और एक गेम और था, वो कुछ दिनों पहले आया था ना, एक किसान का भैंसे के साथ दौड़ करता हुआ,
और ये कहा गया कि उसने हुसैन बोल्ट का रिकॉर्ड तोड़ दिया था, तो उस गेम का नाम पे अभी आपको बताऊंगा, दिमाग से उतर गया उस गेम का नाम, तो जल्दी से बताइएगा जालीकट्टू जो है ये कौन सा है, जल्दी बताइएगा जालीकट्टू। ओके जालीकट्टू ये आपकी क्या है भाई, बिल्कुल ये आपकी किससे संबंधित है, आपका ए से है। ओके विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इंडिया कंबाला इज प्लेड, कंबाला जल्दी बताओ, ये क्वेश्चन आपका आना तय है कंबाला। ओके अभी जिस चीज का मैं जिक्र कर रहा था ना, वो भैंसे के लेकर लेकर दौड़ रहा था एक किसान, और कहा जा रहा था कि भाई उसने क्या जीता है, उसने हुसैन बोल्ट का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तो वो कौन सा गेम था कंबाला, तो वो कौन से राज्य से संबंधित है कंबाला, जल्दी बताइए कंबाला जो है वो कौन से राज्य से संबंधित है, फटाफट जल्दी बताओ कंबाला। बिल्कुल बेटा आंसर उसका ए है, अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ कंबाला कौन सी स्टेट से रिलेटेड है, जल्दी बताओ माय डियर स्टूडेंट कंबाला कौन से राज्य से संबंधित है। ओके जी हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो, बिल्कुल सही बता रहे हो बी रवि कुमार ने अगर क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दिया है तो वो मेरे हिसाब से बिल्कुल उन्होंने सही दिया है रवि कुमार ने, जी हाँ बिल्कुल स्टैम्प पेपर क्वेश्चन है, बिल्कुल स्टैम्प पेपर क्वेश्चन है कंबाला। ठीक है कंबाला जो है ये अभी कुछ दिनों पहले न्यूज़ में आया था ना उससे, अच्छा विच इज़ द कैपिटल ऑफ थाईलैंड, देखो बर्न जो राजधानी है ना, बर्न किसकी है स्विट्जरलैंड की है, स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न। ओके स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है बर्न। ओके जकार्ता किसकी राजधानी है इंडोनेशिया की, इंडोनेशिया की क्या है राजधानी जकार्ता। और रंगून मेरे पिया गए रंगून वहाँ से किया है टेलीफोन, तो भैया रंगून जो है ना बर्मा की राजधानी हुआ करती थी, अब इसका नाम बदल कर क्या कर दिया बर्मा का ही नाम बदल दिया, वैसे तो म्यांमार बुलाते हैं, उसकी नेप्योंग है राजधानी, तो रंगून को भी क्या बुलाते थे इसे। और थाईलैंड जो है, थाईलैंड जो है उसकी कैपिटल क्या है बैंकॉक है, थाईलैंड की राजधानी क्या है बैंकॉक। थाईलैंड को क्या बोला जाता है लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट, लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट सफ़ेद हाथी का देश कहा जाता है, लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट सफ़ेद हाथी का देश कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन व्हाट इज़ दी करेंसी ऑफ इथोपिया, अभी हम इथोपिया के बारे में पढ़ रहे थे, तो इथोपिया की जो करेंसी है वो क्या है, इथोपियन गिल्डर, इथोपियन यूरोस, इथोपियन डॉलर और इथोपियन ब्रर, तो इसका आंसर क्या होगा, व्हाट इज द नेशनल करेंसी ऑफ इथोपिया, इथोपिया की नेशनल करेंसी क्या है, इथोपियन यूरोस, इथोपियन डॉलर, इथोपियन ब्रर या इथोपियन ग्लाइडर। ओके जल्दी बिल्कुल ओके हाँ बिल्कुल, और शाम को 7 बजे वाला सेशन जरूर देखिएगा, उसे बिल्कुल मत छोड़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताओ व्हाट इज द नेशनल करेंसी ऑफ इथोपिया, इथोपिया की राष्ट्रीय क्या है बी। ओके तो उसका आंसर है डी। ओके इथोपिया की जो करेंसी है वो क्या है इथोपियन बिर है। ओके इथोपिया की करेंसी क्या है इथोपियन बिर है। आगे बढ़ते हैं, सगाई फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड अमोंग द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, संगाई जो त्यौहार है वो कौन से राज्य में मनाया जाता है, आसाम में, मणिपुर में, बिहार में, कर्नाटका में, संगाई जो फेस्टिवल है वो कौन से राज्य में मनाया जाता है। ओके संगाई इज अ फेस्टिवल, संगाई इज अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड अमोंग द फॉलोइंग स्टेट, आसाम, मणिपुर, बिहार, कर्नाटका, आसाम, मणिपुर, बिहार, कर्नाटका, कौन से स्टेट में मनाया जाता है, तो संगाई जो आपको मनाया जाता है वो किस में मनाया जाता है मणिपुर में। ओके संगाई जो मनाया जाता है वो किस में मनाया जाता है मणिपुर में। अभी CDS में आया था क्वेश्चन की नरोपा फेस्टिवल, तो वो आपका लद्दाख में मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इस हॉर्नबिल फेस्टिवल का जो ज़्यादातर उद्घाटन है वो भारत के राष्ट्रपति करते हैं, तो जल्दी से बताइएगा हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ से संबंधित है, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ से संबंधित है। ओके मणिपुर में है संगाई, वेरी गुड बेटा जल्दी से बताओ हॉर्नबिल फेस्टिवल। ऐसे ही एक मेटाई फेस्टिवल भी है, हॉर्नबिल फेस्टिवल कौन सी स्टेट से संबंधित है। ओके हॉर्नबिल जो त्यौहार है वो कौन से
स्टेट से संबंधित है। जल्दी बिल्कुल मैं क्यों आया था, धन्यवाद आप लोगों की प्रेजेंस हमें को कुछ अच्छा करने का हमेशा क्या कहती है झुंझोरती रहती है कि हम कुछ अच्छा करें। अगर हम अच्छा नहीं करेंगे तो आप यहाँ आएगे आओगे थोड़ी, आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलती है तभी तो आते हो सर, और हमें अच्छा लगता प्रेजेंस बिल्कुल। और सेशन को लाइक ज़रूर कर देना भाई मेरे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स बिल्कुल लाइक कर देना सेशन को। तो इसका आंसर क्या है, बी। अब अगले क्वेश्चन का, पंचमहल, वैसे वो थोड़ा इंग्लिश में मेरे से टाइप करते हुए पंचामहल हो गया, पंचमहल कहाँ पे स्थित है, आगरा, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी और सिकंदरा। फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1572 में अकबर ने करी थी, ठीक है अकबर ने, और यहीं पे 1582 में उसने क्या बनवाया था, बुलंद दरवाज़ा, जो भारत का सबसे बड़ा दरवाज़ा है। तो आगरा में है, दिल्ली में है, फतेहपुर सीकरी में है, सिकंदरा, और सिकंदरा की भी स्थापना किसने करी थी, अकबर ने करी थी। सिकंदरा में बल्कि अकबर का मकबरा है, वहाँ पर उसे दफनाया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर है फतेहपुर सीकरी। पंचमहल कहाँ पे है आपका, फतेहपुर सीकरी में है। पंचमहल कहाँ है, फतेहपुर सीकरी में। धन्यवाद, ओके। आज भी एक डिसलाइक है, कोई बात नहीं, देखो सच है तो झूठ होता है, अच्छाई होती है तो बुराई होती है, सेम उसी तरह लाइक है तो डिसलाइक होता है। डिसलाइक नहीं हो तो लाइक की वैल्यू नहीं पता लगेगी, और लाइक ना हो तो डिसलाइक की वैल्यू नहीं पता लगेगी, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं यार, ये जीवन इसी का नाम है, ओके। चलिए, विच अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ओके। यहाँ पे उत्तरांचल लिख लीजिएगा, ये उत्तरांच ए एल, उत्तरांचल, रसीला, विनती, विनीति, कृष्णोत्तम, विदेशिया, ओके। नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा सही नहीं है, इनमें से कौन सा सही नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, रसीला, विनीति, आंध्र प्रदेश, कृष्णोत्तम और विदेशिया। तो इसका आंसर है डी, विदेशिया आपका जो है ना ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है, विदेशिया, ठीक है। ये किससे संबंधित है, उदेशिया, ओके। हाँ कोई बात नहीं यार, वो तो चलता रहता, मैं गया था सर, ओके। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट इंडियन लैंग्वेज, सबसे पुरानी भारतीय भाषा कौन सी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट इंडियन लैंग्वेज, संस्कृत, तेलुगु, हिंदी या तमिल। हिंदी तो देखो बिल्कुल मैं कहूँ हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन हिंदी हमारी नहीं है, हिंदी विकसित हुई है और हिंदी के भी कई भाग है, जैसे हम जिस क्षेत्र से आते हैं भाई वहाँ खड़ी बोली बोली जाती है, क्या बोली जाती है, खड़ी बोली बोली जाती है। जो आप में से जो कानपुर या गंगा जी के उस पार के होंगे, आपके वहाँ अवधी भाषा बोली जाती है, तो आपके एक्सेंट और मेरे एक्सेंट में बहुत फर्क होगा, ओके। विदेशिया उत्तर प्रदेश से है, विदेशिया, ठीक है, ओके। तो तमिल जो है वो भारत की सबसे पुरानी भाषा है, तमिल जो है वो भारत की सबसे पुरानी भाषा है, समृद्धि थापा, हाँ बेटा बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं, शिवानी राणा बिल्कुल, और भाई 7 बजे का सेशन बिल्कुल देखिएगा, 7 बजे का सेशन बिल्कुल देखिएगा, बिल्कुल बहुत बढ़िया क्वेश्चन हैं यूपीएससी के पर, और उसमें आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, यानी एक क्वेश्चन में आपको मिनिमम, मैं आज उसको गारंटी लेके कह रहा हूँ, एक क्वेश्चन कराऊंगा और आपको एटलीस्ट हर क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन का डाटा दूंगा कि उससे 30 क्वेश्चन का आपको आंसर पता लग जाएगा। विच ऑफ दी, देखो दो होते हैं, रेड पकौड़ा और ब्लैक पकौड़ा। तो रेड पकौड़ा तो आपको किसे बोला जाता है, अभी यहाँ पे है कि ब्लैक पकौड़ा किसे बोला जाता है, ब्लैक पकौड़ा मैं बता रहा हूँ जो ना ऐसे ऐसे होते हैं टेम्पल, इन्हें पकौड़ा बोलते हैं, जो ऐसे ऐसे टेम्पल होते हैं, ठीक है। अब ऐसे ऐसे टेम्पल कहाँ पे हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ऐसे टेम्पल कहाँ पे हैं आपके साउथ में, ठीक है। तो सन टेम्पल को तो क्या बोला जाता है, ब्लैक पकौड़ा, कोणार्क टेम्पल, ओके। और ये मीनाक्षी जो टेम्पल है ना, मीनाक्षी जो टेम्पल है, ठीक है, इसे बोला जाता है रेड पकौड़ा, इसे क्या बोला जाता है, रेड पकौड़ा, ओके। इसे क्या बोला जाता है, रेड पकौड़ा टेम्पल बोला जाता है, ओके। चलो अगले क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है, नाभा कलेबरा फेस्टिवल, ओके। नाभा कलेबरा फेस्टिवल बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, नाभा कलेबरा जो फेस्टिवल है कौन से राज्य से संबंधित है, नाभा कलेबरा, ओके, वो कौन से राज्य से संबंधित है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, राजस्थान, उड़ीसा, बिहार, आसाम, राजस्थान, उड़ीसा, बिहार या आसाम। तो नाभा कलेबरा जो फेस्टिवल है ये भाई आपका उड़ीसा से संबंधित है, किससे संबंधित है, उड़ीसा। और ध्यान रखिएगा, कोरोना वायरस जो इन्फेक्शन डिजीज 19 है, सबसे लार्जेस्ट हॉस्पिटल
आपका उड़ीसा में ही बन रहा है कोरोना वायरस इन्फेक्शन डिजीज के लिए, एक सेशन लाऊंगा जिसमें कोरोना वायरस पे कैसे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको कराऊंगा। तो बिल्कुल, तो ये आज का था भाई। बाकी अगर आपको स्टडी एट होम गेट फ्री यूट्यूब क्लासेस, ध्यान रखिएगा आपको बैंक की प्रिपरेशन करनी है, एसएससी की करनी है, टीचर्स की करनी है या इंजीनियर्स की करनी है, डिफेंस का तो आपका ये परिवार है डिफेंस अड्डा, और स्टेट की करनी है तो वो सब आपको अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पे मिलेगा, यूट्यूब फ्री ऑफ कॉस्ट, बस आपका समय ही आपकी कॉस्ट है और आपको पूरी। अगर आपने हमारे सेशन को अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट कीजिए और प्रेस दी लाइक बटन और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं मिलता हूँ आपसे 7 बजे जहाँ हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। तो 7 बजे बिल्कुल सभी लोग मेरे को मिलेगा, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ 7 बजे सेशन को ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।